देश में 50 या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को सरकार अगले महीने कोरोना का टीका लगाना शुरू करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि अगले माह किसी भी सप्ताह में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो सकता है, जिसके तहत इन लोगों को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा, फिलहाल देश में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य फ्रंटलाइन वर्करों के लिए टीकाकरण का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। इनमें से 50 लाख लोगों को कोरोना का टीका की एक एक खुराक दी जा चुकी है। लोकसभा में उठे सवाल का जवाब दे रहे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वक्त देश में 7 तरह के टीकों पर काम चल रहा है, जबकि 2 टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी जा चुकी है। अन्य 7 में से 3 टीके तीसरे चरण के मानव परीक्षण में हैं, जबकि 2 पहले परीक्षण से गुजर रहे हैं। अन्य 2 टीका अभी जानवरों पर परीक्षण की स्थिति में हैं। आने वाले दिनों में जब यह टीका भी देश को मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ेगी और इसका सीधा असर कीमतों पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।